संचालन करते हैं साहब वो गायब है यहाँ से। न्यूज़पेपर में लोगों ने बताया कि खबर भी छपी है कि आज खाद मिलेगी। अब सोचिए जरा, सूचना देने के बाद भी पब्लिक यहाँ आकर के खड़ी है और उनको खाद नहीं मिल रही है, कितनी बड़ी लापरवाही है। अब पेपर में दिया हुआ है, हम लोग 4 दिन से आ रहे हैं, आज पेपर में भी निकला है कि आज यहाँ बटेगी यूरिया, लेकिन खाद बटेगी। हाँ, लेकिन हम लोग 4 बजे भोर से ही यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं। हाँ, मोबाइल नंबर था वो, कुछ लोग लगा रहे थे, उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। मोबाइल स्विच ऑफ। महोदय के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी कि आखिर कहाँ है, खोजी पुलिस उनको क्या है, कहाँ भैया? मजाक के अंदाज है भाई, आज 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया तो कुछ पता नहीं चला यहाँ? पता कर रहा है, आज लाइन लगा है, कल लाइन लग जाए, आज मिलेगा कल मिलेगा, यही आसर है। इंटरनेट पे सारे नंबर मौजूद होते हैं, गूगल में सर्च करिए, नंबर मिलता है, और संबंधित अधिकारियों को फोन करिए कि हम 4 दिन से आए हैं, आपका अधिकार है ये। 3 दिन से लगातार 6 बजे हम लोग यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं आके। अच्छा, बिना पगार वाली ड्यूटी? हाँ, बिना पगार वाली ड्यूटी है ना। हाँ, 3 दिन से ड्यूटी बंद है। 3 दिन से ड्यूटी बंद है। हाँ, ड्यूटी के समय तो यहीं पे निकल जा रहा है। कहते होंगे कि तो है ना, मिले तक सबके नहीं मिलता ना है। या 200-300 आदमी आके चले गए, किसी के पास नंबर है तो स्विच ऑफ बता रहा है नंबर। किसी दिन नेता आते हैं, जब 25-30 बोरी बाकी रह जाता है तो उसको बंद कराने के लिए आते हैं इधर से। अच्छा, नेता आते हैं बंद कराने? हाँ, बंद कर दो उसको, 25 बोरी बचा, बंद करवा दीजिए, बंद करवा दीजिए। अरे काहे के लिए? अरे संगी शासी की देवा है विधि। अरे क्या, कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पर? आज 4 दिन हुई है। डीएम साहब अगर खबर देखें तो क्या कहेंगे उनसे? अब हमन का काज है तो भूखा न, अभी मने खाती खादे खातिर मने आवत है इधर। अक्षय कुमार। अरे अक्षय कुमार तो फिल्मी हीरो हो गए हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जिले में भी है। क्या दिया जाए कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्पष्ट बता दिया जाए ना। बिल्कुल, और ब्लैक मिल भी रहा तो 450 रुपए बोरी मिल रही है। तो भाई बिल्कुल सुने हैं, बहुत तगड़े हैं, बहुत तेज हैं, बहुत तेज सर राख हैं डीएम साहब। हाँ, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते, एक्शन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, इस बात की थोड़ा खेद है हमको। क्या करें बताइए, 12th की क्लास यानी इंटर की क्लास में, अरे आपका तो एग्जाम आने वाला होगा। यस, और एग्जाम वाला पढ़ाई छोड़ करके आप यहाँ अब क्या करें? खाद भी लेना जरूरी है ना, हमें 4 दिन से परेशान किया जा रहा है। स्पष्ट बता दे कि आना है कि नहीं आना है भाई, हम लोग न आके लाइन लगाए, अपना टाइम न व्यस्त करे, अपना दूसरी जगह पे देखे, यहाँ आके बेकार में बैठे हैं हम, सुबह से आके बैठे। डीएम साहब के बारे में सुने होंगे कि बड़ा तेज कार्रवाई कर रहे हैं। डीएम जो आए हैं बहुत तेज है, ये भी हमारे ज्ञान। अच्छा, आप भी सुने हैं कि हाँ, बहुत तेज हैं। हाँ हाँ, हम चर्चा है जनजन में, हम नरेगा के मेट है, ठेकेदार काम करते। अच्छा, नरेगा के मेट हैं। हाँ, ठेकेदार। तो डीएम साहब तेज तरह हैं, काम एकदम टकाटक हो रहा है इसमें। हाँ, वहाँ पहुँचे के बाद तभी डीएम है। जो पब्लिक को परेशान करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आकाश, बड़ी दिक्कत पड़ रही है खाद के लिए, बड़ी दिक्कत। नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ दीपक मिश्रा और एक नए मुद्दे के साथ आज हाजिर हूँ। इसमें हम मौजूद है जनपद भदोही के ज्ञानपुर किसान सेवा सहकारी समिति, पाली उपकेंद्र है, यहाँ किसान सुबह से आकर के इंतजार कर रहे हैं और लगभग 2-3 दिन से या 4 दिन से लगभग परेशान हो रहे हैं, और इनका कहना है कि यहाँ ये उपकेंद्र खोला नहीं जा रहा है, खाद यहाँ मौजूद है और जो इसका संचालन करते हैं साहब वो गायब है यहाँ से। कहाँ है, किस परिस्थिति में है, क्यों नहीं आ रहे हैं, किसानों को क्यों परेशान किया जा रहा है? और आज न्यूज़पेपर में लोगों ने बताया कि खबर भी छपी है कि आज खाद मिलेगी। अब सोचिए जरा, सूचना देने के बाद भी पब्लिक यहां आकर के खड़ी है और उनको खाद नहीं मिल रही है, कितनी बड़ी लापरवाही है। कैसे किसान अपनी बुआई करे, वो यहां आकर के लाइन लगाए या अपने खेतों में बुआई करे और खेतों की भराई करे, आइए जरा लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सर राजबहादुर नाम है। कितने दिन से आ रहे हैं? 4 दिन से सर लगातार आ रहे हैं यहाँ पे। 4 दिन से? हाँ, 4 दिन से लगातार। कोई सूचना, कोई यहाँ कुछ लिखा हुआ? कुछ नहीं सूचना है साहब, पेपर में दिया हुआ है, हम लोग 4 दिन से आ रहे हैं, आज पेपर में भी निकला है कि आज यहाँ बटेगी यूरिया, लेकिन खाद बटेगी। हाँ, लेकिन हम लोग 4 बजे भोर से ही यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं। मोबाइल नंबर वगैरह है उनका? कुछ नहीं है हम लोगों के पास। किसी ने अभी बताया कि स्विच ऑफ है मोबाइल? हाँ, मोबाइल नंबर था वो, कुछ लोग लगा रहे थे, उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। वो कुछ नहीं पता चल रहा है, अब मोबाइल स्विच ऑफ है तो हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? मतलब महोदय के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी कि आखिर कहाँ है, खोजी पुलिस उनको क्या है, कहाँ भैया? मजाक के अंदाज है भाई। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार यादव। कब से खड़े यहाँ? अरे हम आए थे 9 बजे से। और खाद नहीं मिली, सूचना नहीं मिली अभी। खाद है, कैसे मालूम आपको यहाँ खाद है? जैसे खाद है नहीं, जैसे है उधर तो दे नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे है, वो समझ में नहीं आ रहा है। और पेपर में भी आया करते हैं आप? हम सर बीएससी करते हैं। तो क्लास छोड़ के यहाँ पे आए होंगे? हाँ, सोच लीजिए, पढ़ाई छोड़ करके इंसान यहाँ बैठा हुआ है, खेती भी करनी है।
कैसे करेंगे ये बताइए पहले। कितने दिन से आप यहाँ क्लास छोड़ करके आ रहे हैं? अरे सुजी दो तीन दिन हो गया, दो तीन दिन से क्लास छोड़ के बेचारे यहाँ खाद के लिए मारे मारे फिर। क्या नाम है आपका? तिलकधारी साहब। किस गांव के रहने वाले? यहीं के। यहीं? कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पर? आज चार दिन हो गया। चार दिन हो गया तो कुछ पता नहीं चला यहाँ? पता कर रहा है, आज लाइन लगा है, कल लाइन लग जाए, आज मिलेगा कल मिलेगा, यही आशा रह रहा है, कोई 3 बजे आता है। अगर नहीं मिल रही खाद तो किसको शिकायत करनी चाहिए मालूम है आपको? किसके शिकायत करेगा शायद? नहीं मालूम है। नहीं, जिसके नहीं मालूम रहेगा तो क्या बताएगा? कोई ऐसा है जिसको पता है कि अगर खाद ना मिले तो कहाँ शिकायत की जाएगी? डीएम के पास, डीएम अधिकारियों के पास शिकायत करनी चाहिए ना। नंबर आपको नहीं पता होगा, इंटरनेट पे सारे नंबर मौजूद होते हैं, गूगल में सर्च करिए नंबर मिलता है, और संबंधित अधिकारियों को फोन करिए कि हम चार दिन से आए हैं, आपका अधिकार है ये। चलिए, क्या नाम है आप? क्या नाम है आपका? छवि राम बिंद। कितने दिन से आ रहे हैं? 3 दिन से लगातार 6 बजे हम लोग यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं आके। अच्छा, बिना पगार वाली ड्यूटी? हाँ, बिना पगार वाली ड्यूटी है ना। हाँ। और काम क्या करते हैं? काम हम लोग मजदूरी का काम करते हैं। सोचिए, मजदूरी करने वाला इंसान रोज कमाता है तो रोज खाता है, अब जब वो यहाँ रहेंगे तो ड्यूटी कौन करने जाएगा? ड्यूटी इनके घर 3 दिन से ड्यूटी बंद है। 3 दिन से ड्यूटी बंद है? हाँ, ड्यूटी के समय तो यही पे निकल जा रहा है। घर वाले और कहते होंगे कि ये कैसा खाद लेने जा रहे हैं, और कहते होंगे कि तो है ना मिले तक सबके नहीं मिलता ना। 200-300 आदमी आके चले गए जी। सुबह से चला कि कुछ लोग खाद जाकर के कहीं और से ले आए। अब कहे जहाँ तक जो पहुँच सकता है वहाँ तक दौड़ रहा है जी, जहाँ तक जो पहुँच सकता है वहाँ तक दौड़ रहा है। यहाँ से कल भाग के लोग गए हुआ ये साहब से कोई बात? साहब का तो कोई जो किसी किसी के पास नंबर है तो स्विच ऑफ बता रहा है, नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। नेता नहीं आए कोई पूछने यहाँ पे, खाली ऑफिस में बैठे रहेंगे। किसी दिन नेता आते हैं, जब 25-30 बोरी बाकी रह जाता है तो उसको बंद कराने के लिए आते हैं इधर से। अच्छा, नेता आते हैं बंद कराने? हाँ, बंद कर दो उसको। हाँ, बंद करो, बंद करो। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बाबूजी, क्या कह रहे हैं? जब मतलब बटने लगता है तो बंद कराने आते हैं। हाँ। क्या कहेंगे कि 25 बोरी बचा बंद करवा दीजिए? बंद करवा दीजिए काहे के लिए? अरे संगी सासी के। हाँ? संगी सासी की देवा है दीदी। अच्छा, क्या नाम है आपका? आपका धनकधारी नाम है। यहीं कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। अभी 4 दिन से? 4 दिन से। 4 दिन से। माता जी, क्या नाम है माता जी? सुराजी। कहाँ, कौन से गांव की हैं? पाली। पाली से? हाँ। कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पर? आज 4 दिन हुई है। 4 दिन हो गया। हाँ। साहब का कोई अता पता है? नहीं, हमें को नहीं है। कोई अता पता नहीं है? नहीं। डीएम साहब अगर खबर देखें तो क्या कहेंगे उनसे? क्या कहेंगे कि भाई हमें दर्द रखा होता है। इनके इनके लिए एक सूचना जारी करें कि साहब खो गए हैं, उनको को सूचना दी जाए, खोजे ना। अब हमन का काज है तो भूखा ना भी मने उन्हें खाती खादे खातिर मने आवत है इधर उधर जाड़ा में। सोचिए, तमाम महिलाएं यहाँ मौजूद हैं अपना घर का काम छोड़कर, और बाकी सारे लोग देख रहे हैं यहाँ अपना काम छोड़कर रोज आ रहे हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं। क्या नाम है आप खाद लेने आए हैं? क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार। अरे यार, अक्षय कुमार तो फिल्मी हीरो हो गए हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जिले में भी हैं। क्या कर रहे हैं अक्षय जी, आप करते क्या हैं? हम बीटेक किए हैं। बीटेक किए हैं? आप लोग जब तो कोई जॉब आप कर रहे हैं कि नहीं? अभी जॉब तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ किस लिए आए? खाद लेने के लिए आए। कॉल आया, खाद मिली नहीं। कॉल आया कहाँ से? घर से फोन आया, मैं गया था एक काम से जी, कॉल आया कि जाइए खाद मिल रहा, लेकिन यहाँ खाद ही नहीं मिल रहा देख रहे हैं। मतलब बार बार बुलाया जा, लाइन लगे हुए थे कुछ टाइम बाद। सुबह पहले बुलाया जाता है, लोगों को परेशान किया जाता है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, प्रशासन से बिल्कुल कहेंगे कि बहुत पढ़े लिखे इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि बार बार बुलाया जाए, इतना ठंडी पड़ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत महिलाएं भी आ रही हैं, महिलाएं भी आई हैं, बैठी हैं यहाँ पे देख रहे हैं आप। या तो बता दिया जाए, बता दिया जाए कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्पष्ट बता दिया जाए ना यहाँ पे। 4 दिन से आके लोग बैठे नहीं? कल भी हम आए थे, आज भी आ रहे हैं, और लोग बहुत भीड़ लगी थी यहाँ पे, लाइन वहाँ तक लगी हुई थी। अच्छा। लेकिन फिर चले गए, बहुत लंबी लाइन थी, फिर चले गए, फिर आ रहे हैं। अच्छा, तो लोग अन्य जगह पे जाके अपना खाद तलाशेंगे? हाँ बिल्कुल, और ब्लैक मिल भी रहा है तो 450 रुपए बोरी मिल रही है। तो भाई गरीब कहाँ से लेंगे? सरकारी सिस्टम है बताइए, सरकारी मतलब अभी तो नहीं रहे ना, आना चाहिए उनको, देखना चाहिए कि हाँ भाई बता दे कॉल करके, हम आएंगे नहीं पहुँचेंगे। यहाँ मिल रहा था, मिलने लगा उधर नागमलपुर में।
आपको मालूम है डीएम साहब को खबर होती तुरंत कार्रवाई करते हैं, क्या कहना चाहेंगे डीएम साहब से? डीएम साहब से यही कहना चाहेंगे कि कार्रवाई हो बहुत जल्द आए। सुना है आपने डीएम साहब के बारे में? सुना तो कार्रवाई के बारे में सुने हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुने हैं, बहुत तगड़े हैं, बहुत तेज हैं, बहुत तेज सर्राक हैं डीएम साहब। हाँ, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं, एक्शन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, इस बात की थोड़ा खेद है हमको। क्या कर रहे हैं, रगड़ दें एकदम? बिल्कुल बिल्कुल कर दे कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। आपका क्या नाम है भाई? मनोज कुमार बीन। कहाँ से हैं? हम हैं जगदीशपुर से। जगदीशपुर? यस। कहाँ? यही आसी पास है? आसी पास में है। अच्छा, तो कितने दिन से आप आ रहे हैं? सर तो 3 दिन हो गया हमको आते। करते क्या है आप? अभी तो फिलहाल भाई स्कूल पे जाते हैं। पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास है? क्लास इंटर की। बताइए, 12th की क्लास यानी इंटर की क्लास में? अरे आपका तो एग्जाम आने वाला होगा। यस सर। और एग्जाम वाला पढ़ाई छोड़ करके आप यहाँ? अब क्या करें, खाद भी लेना जरूरी है ना। खाद भी लेना है, खाना भी है भाई। अगर खाना भी है होगा नहीं तो खेत में होगा नहीं तो खाएंगे क्या हम लोग? क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि इस पे जल्द से जल्द कोई कार्रवाई किया जाए। हमें 4 दिन से परेशान किया जा रहा है, स्पष्ट बता दे कि आना है कि नहीं आना है भाई। हम लोग न आके लाइन लगाए, अपना टाइम न व्यस्त करे, अपना दूसरी जगह पे देखे, यहाँ आके बेकार में बैठे हैं। हम सुबह से आके बैठे हैं अभी तक कोई। अखबार में भी आज किसी ने बताया? अखबार में, अखबार में आया है नाम, फिर भी 400 आदमी लाइन लगा के चले गए, इधर 200-400। लेकिन अखबार में आया था मिलेगा? अखबार में आया है कि मिलेगा, अमर उजाला जागरण में है नाम, लेकिन फिर भी नहीं। अब अगर पेपर में छपा है तो इसका मतलब सूचना पहले से पेपर वालों को रही होगी, तब ना उन्होंने ये खबर छापी है। इसका मतलब ये पूरी तरह से पब्लिक को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? उमा शंकर यादव। कहाँ से हैं? ये सारीपुर उमरपुर में। घाट पर कुछ करते भी हैं? नौकरी वोकरी कुछ करते हैं? घर रहते हैं? नहीं, हम तो घर पर खेती बाड़ी करते हैं। तो ये बताइए कि अभी खाद ले रहे हैं, खेत में डालना है? हाँ, खाद लेके खेतों भरने के बाद ही खाद डाला जाता होगा? सिंचाई करने के बाद ही। क्या खेत सूखने के बाद खाद मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी लग नहीं, रहा है। हाँ। खेत सूखने तक खाद मिल जाएगी? नहीं मिल पाएगा, खाद छिटने का बिल्कुल ताव आ गया है। अच्छा, मतलब फिर से भरना पड़ेगा? हाँ, फिर से भरना पड़ेगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा वो। दिन में भरते हैं कि रात में भरते हैं? रात दिन, जब भी पानी मिल जाएगा तभी भरेंगे। अच्छा, रात में, ठंडी में अगर रात में पानी मिल जाए तो रात में भरेंगे? क्या करोगे साहब, पानी जब लगा है जा रहा है तो भरना पड़ेगा। सोचिए, बड़ी मुश्किल से तो रात में पानी भरा जा रहा है खेतों में। अभी आज रात पूरी रात आज भर के आया, पूरी रात आज पानी भरे हैं 125 बीघा। सोचिए, पूरी रात पानी भरे हैं इधर आके, दिन में आकर के यहाँ खाद की लाइन लगाए हैं, अब मिल जाएगी इसका भरोसा है? देखिए, सब लोग के आश्रय ऐसे सब खड़े हैं, देखे पब्लिक के लिए आ रहे हैं। सुन रहे हैं, उनका फोन भी नहीं लग रहा है? नहीं, फोन नहीं लग रहा, यही तो सब पब्लिक बोल रहे हैं। जनपद के आला अधिकारियों से कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, क्यों ना कहेंगे, कहेंगे कि भाई शिकायत हमारा, हम लोग खाद नहीं मिल रहा है, खेत की जमीन खराब हो रहा है, गेहूँ फसल, किसान हम लोग गोपी के अंदर ज्ञान पर हर जगह चढ़े हैं। डीएम साहब के बारे में सुने होंगे कि बड़ा तेज कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ, ये डीएम जो आए हैं बहुत तेज है, ये भी हमारे ज्ञान। अच्छा, आप भी सुने हैं कि हाँ, बहुत तेज हैं? हाँ हाँ, हम चर्चा है जन जन में। हम नरेगा के मेट है, ठेकेदार काम कर। अच्छा, नरेगा के मेट है ठेकेदार? तो डीएम साहब तेज तरह है, टकाटक हो रहा है इसमें? हाँ, वहाँ पहुँचेगा बाद तभी डीएम। तो क्या कहेंगे इनको, नहीं आ रहे है ये? हाँ, सारे सोचित करके भेजे कि खाद नहीं है, उपलब्ध है खाद, कर दे कार्रवाई जबरदस्त बड़ी वाली, एक कार्रवाई हो जानी चाहिए। हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए। पब्लिक को परेशान, जनता एकदम परेशान है। जो पब्लिक को परेशान करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आकाश समय दे रहे हैं बहुत, अरे समय बहुत खराब कर रहे हैं, बहुत खराब। समय का कितना मोल है सोचिए? बहुत सारा मोल है। 3-4 दिन से सब परेशान है, ठंडी में, जाड़ा में, अभी 62 साल की उम्र हो गया, आके परेशान हो रहा है। रात में खेत भरे और दिन में आकर के यहाँ गड़ रही है, तब भी खड़े है भाई, घर का जिम्मेदारी मालिक है हमें, देखना। अब लड़के बच्चे सब पढ़ लिख रहे हैं, उनका भी समय बेकार हो जाएगा, पढ़ेंगे बच्चे तो। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अली। कहाँ से आए हैं? कसीदहा से। कसीदहा से जी। पढ़ते हैं जी? कौन सी क्लास में? 9th। तो स्कूल होगा आज? यस। स्कूल तो खुला हुआ है 9th तक का? यस सर। 9 to 12 तो स्कूल नहीं गए? सर खाद लेने के लिए आए। खाद लेने के लिए? घर वालों ने कहा पढ़ाई पढ़ने मत जाओ, पहले खाद लेने जाओ? यस सर। अब मिल जाती तो लेके पहुँच जाते? हाँ, तो फिर स्कूल चले जाते। स्कूल चले जाते, मतलब कितने दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं? 2 दिन से। अच्छा, 2 दिन से खाद के लिए आ रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं? यस सर। ओ, मिल जाएगी आज खाद? नहीं लग रहा है सर, नहीं मिल पाएगी। नहीं मिल पाएगी सर। जो है नहीं। तो ऐसे छुट्टी कर करके आप खाद लेने आते रहेंगे और लौट के जाते रहेंगे? क्या कहेंगे डीएम साहब से? अरे युवा है आप, डीएम साहब तहलका मचा रहे हैं, सुने ना? यस सर। क्या कहना चाहेंगे, एक तहलका इसमें भी मचा दें? यस सर। खाद दिला दीजिए किसानों को, है ना? यस सर।
बड़ी दिक्कत पड़ रही है खाद के लिए, बड़ी दिक्कत पड़ रही ना, बहुत परेशानी है। नमस्कार, आपने लोगों को सुना किस तरह से लोग चार दिन से यहाँ आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, साहब का अता पता तक नहीं है कहाँ है। उनके लिए लोगों का कहना है कि एक टीम बना दी जाए, वो उनकी जांच करे कि आखिर साहब गए कहाँ हैं, कहीं साहब खो तो नहीं गए हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक गुमशुदा वाली तस्वीर उनकी लगा देनी चाहिए, अगर पब्लिक के पास तस्वीर होती तो गुमशुदा वाली तस्वीर लगा दी जाती। ऐसे अधिकारियों को कैसे, ऐसे अधिकारी समाज का भला कर सकते हैं? मीडिया का काम है आवाज उठाना, जनता की आवाज उठाना, जहां जनता को दिक्कत होगी मीडिया वहां मौजूद रहेगा। फिर मिलते हैं अगले किसी मुद्दे के साथ, धन्यवाद। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।